सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। सप्तश्लोके दुर्गा शिववाच देवी त्वं भक्तसुलभं सर्वकार्यविधायिनि करोहि कार्यसिद्ध्यर्थम् उपायं ब्रूहि यत्नतः देव्यवाच शृणु देव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेश्च साधनं मया तमेव स्तेनाप्यम्ब स्तुतिः प्रकाश्यते ॐ अच्च श्री दुर्गा सप्तश्लोके स्तोत्रमन्त्रस्य नारायण ऋषि अनुष्टुभ छन्दः श्रीमहाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्या देवता श्री दुर्गा नित्यदम् सप्तश्लोके दुर्गा पाठे विनियोगः ज्ञानिनाम विचेतासि देवी भगवती बलाना कृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति दुर्गे स्थिता हरसि भीतिमचयन्तः स्वस्थे स्मृता मतिमतीव शुभां ददाति दारिद्र्यदुःखमयहारणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदाचित्ता सर्वमङ्गलमङ्गले शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तुते शरणागतदीनात् परित्राणपरायणे सर्वस्यापि हरे देवि नारायणि नमोऽस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेश सर्वशक्तिसमन्विते भयवस्त्राहिनौ देवी दुर्गे देवी नमस्तुते रोगाणशेषा नमः चतुष्ट रुष्टात् कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणाम् स्वामाश्रितायाशयतां प्रयाति सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यश्चाखिलेश्वरि एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्भैर्विनाशनम् ॐ श्री दुर्गायै नमः श्री दुर्गाष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम् ईश्वरवाच शतनाम प्रवक्ष्यामि शणश्वकमलानरे यस्य प्रसादमात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत् सदि ॐ सदि साधि भव प्रीता भवानी भव मोचने आर्या दुर्गा जयाचार्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी पिनाकधारिणी चित्रा चण्डघण्टा महातमाः मनोबुद्धिरहङ्कारचित्तलोपाजिताजिः सर्वमन्त्रामये सत्ता सत्यानन्दस्वरूपिणे अनन्ता भाविणे भव्या 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 सदा गतिः शाम्भवीदेव माता च चिन्ता रत्नप्रिया सदा सर्वविद्यारक्षकन्या दक्षयज्ञाविनाशिने
अपर्णाकवर्णा च पाटला पाटलावते पट्टाम्बरपरिधारा कलमञ्जीररञ्जने अमेयविक्रमा क्रूरा सुन्दरे सरसुन्दरे वनदुर्गा च मातङ्गे मतङ्गमुनिपूजिता ब्राह्मी माहेश्वरी चन्द्रे कौमारी वैष्णवे तथा चामुण्डा चैव वाराहि लक्ष्मेश्च पुरुषा कृतिः विमलोत्कर्षणि ज्ञाना क्रिया नित्या च बुद्धिता बहुला बहुल प्रेम सर्ववाहन वाहन निशुम्भ शुम्भहरि महिषासुरमर्दिनि मधुकैलवहन्ति च चन्द्रमुण्डविनाशिनि सर्वासुरविनाशा च सर्वधानवघातिनि सर्वशास्त्रमयि सत्या सर्वास्त्रधारिणि तथा अनेकशस्त्रहस्ता च अनेकास्त्रश्च धारिणि कुमारी जैककन्या च केशोरीयमतेयतिः अप्रौढा चैव प्रौढा च वृद्धमाता बलप्रदा महोदरी मुक्तकेशी घोररूपा महाबला अग्निज्वालारौद्रमुखी कालरात्रि तमस्विनी नारायणी भद्रकाले विष्णुमाया जलोदरी शिवदूते कराले च अनन्ता परमेश्वरी कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनि यायिदम् प्रभटे नित्यम् दुर्गा नाम शराशकम् नासाध्यम् विद्यते देवी त्रिषु लोकेषु पार्वती धनम् धान्यम् सुतम् ज्ञाया मया हस्तिरमेव च चतुर्वर्गम् तथा चान्ते लभेन्मुक्तिम् च शाश्वतीम् कुमारीम् पूजयित्वा तु ध्यात्वा देवीम् सुरेश्वरीम् पूजय परया भक्त्या परे नाम शराशकम् तस्य सिद्धिर्भवे देवी सर्वेश्वरवरैरपि राजानो दासताम् यान्ति राज्यश्रियमवाप्नुयात् गौरोचनारक्तकुङ्कुमेन सिन्दूरकर्पूरमधुत्रेण विलिख्ययन्तम् विधिना विधिज्ञ भवेत् सदा धार्यते पुरारिः भोगावास्यादिशामग्रे चन्द्रे जलभिषाङ्गरे विलिख्य प्रभुणे श्रोत्रम् स भवेत् सर्वदा इस समय इस पवित्र गुफा में वैष्णो माता जी की प्रातःकालीन आरती षोडशोपचार द्वारा पंचामृत से विधिवत वैदिक रीति से हो रही है। आप श्रद्धालु भक्तजन विद्वानों के मुखारविंद से श्री दुर्गा सप्तशरी जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे। विश्व के कल्याण में ही हम सभी का कल्याण भी निहित है। इस समय केवल हम भक्त ही नहीं सभी देवता भी स्वर्ग लोक से उतरकर माता जी की इस दिव्यारती का आनंद प्राप्त करने के लिए अपना सूक्ष्म रूप धारण करके इस पवित्र गुफा में पसारते हैं। सभी से निवेदन है कि वे श्रद्धापूर्वक एकाग्रचित होकर माता जी के चरणों में ध्यान करते हुए इस दिव्य पाठ का श्रवण एवं स्वयं पाठ करें। अथ देव्याः कवचम् ॐ अस्य श्रीचण्डे कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुभच्छन्दः चामुण्डा देवता अङ्गन्यासोक्तमातरो बीजम् दिगवन्धदेवतास्तत्त्वम् श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमश्चण्डिकायै मार्कण्डेवाच ॐ यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न कस्याचिदाख्यानं तन्मे ब्रूहि पितामह ब्रह्मवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकम् देव्या तु कवचम् पुण्यम् दश्य नश्व महामुने
पदमाञ्जैलपुत्रे च द्वितीयं ब्रह्मचारिणे द्वितीयं चन्द्रकण्ठे भूष्मन्देति चतुर्थक पञ्चमं स्कन्दमागते षष्ठं कात्यायनेति च सप्तमं कालरात्रेति महाकालेति चाष्टम नवमं सिद्धिरात्रे च नव दुर्गाः प्रकीर्तिताः उक्तानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मना अग्निनादयमानस्तु शत्रुमध्यगतारणे विषमे दुर्गमे जगभयातः शरणं गताः राजेषां जायते किञ्चिदशुभवर्णसङ्करे रामदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि येषु भक्त्यास्तु दानूनं तेषां वृद्धिः प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेषु रक्षते तान् संशयः वेदसंसातु चामुण्डा वारायी महिषासन ऐन्द्रिकसमारूढा वैष्णवे गरुडासन माहेश्वरी विशारूढा कौमारी शिखवाहन लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपा धरा देवी ईश्वरी वृषवाहन ब्राह्मी हंसतमारूढा सर्वाभरणभूषिता इत्येता मातरा सर्वाः सर्वयोगसमन्विताः नानाभरणशोभाया नानारत्नापशोभिताः दृश्यन्ते रथमारूढा देव्या क्रोधसमाकुलाः शङ्खं चक्रं गदा शक्तिमलं चामुतलायुधम् केटकं गोमरं चैव पर्शुं पाशमेव च कुन्दायुधं त्रिशूलं च शारङ्गमायुधमुत्तमम् दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च धारयन्तायुधानीथं देवानां च हिताय वै नमस्यसु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशने त्वायि मां देवि दुष्वेष शत्रुणामयवर्धिने रक्षा रक्षतु मामेन्द्रे आग्नेयामग्निदेवता दक्षिणावधु वाराहि नैरित्याङ्गकधारिणे हृदि च वारुणि रक्ष वायव्यामृगवाहिने हुलि च बाधु कौमारि एषाण्यां शूलधारिणे ॐ ब्रह्माणि मे रक्ष अधस्तादैश्वे तथा एवं दशो रक्ष चामुण्डा शवाहन जया मे चाकृता पातु विजया पातु पृच्छतः अजिता वाम पार्श्वतो दक्षिणे च पराजिता शिखामुद्योतनि रक्ष उमामूर्धे व्यवस्थिता मालाधरे ललाटे च भ्रुव रक्ष दशश्वने त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके शङ्कने चक्षुजोर्मध्ये श्रोत्रोद्वारवासिने कपोलोकालिका रक्ष कर्णमूले च शङ्करे नासिकायां च गन्धा च यत्तरोक्षे च तर्जिका अजरे च मृगकला जिह्वायां च सरस्वने गन्धा रक्षतु कौमारे कण्ठदेश चण्डिका घण्डिकां चित्तघण्टा च महामाया चालुक कामाक्षे च कौ रक्ष वाचं मे सर्वमङ्गल ग्रीवायां मध्यकाले च पृष्ठवंश धनुर्धरे नीलग्रीवा बहि कण्ठे नलिकां नलकोभरे स्कन्दयो गर्गणि रक्ष बाहु मे वज्रधारिणे हत्योर्दण्डनि रक्ष अम्बिका चाङ्गुलेषु च नगाञ्जुलेश्वरी रक्ष कुक्षो रक्ष कुलेश्वरि स्वनो रक्ष महादेवी मनः शोकविनाशिने हृदय ललिता देवी उदरे शूलधारिणे नावोषु कामिनि रक्ष गुह्यं गुहेश्वरि तदा पूजना कामिका मेदं हृदय महिषवाहिनि कट्यां भगवती रक्ष जानुनि विन्ध्यवासिनि जङ्गे महाबला रक्ष सर्वकामं प्रदायिनि गुल्भ्योर्नारुसिंहि च पादपृष्ठे तु तेजसि
पादांगुलेषु शीलक्ष पादादस्तलवाचने नखांगश्च कराले च केशांश वोद्धकेशने रोमकूपे च कौवेरे त्वचं भागेश्वरे तथा रक्तमज्जावसामासान्यक्तिमेदांसि पार्वति अन्त्राणि कालरात्रे च पित्तं च मुकुटेश्वरि पद्मावति पद्मकाश कभे चूडामणि तथा ज्वालामुखेन खज्ज्वालामभेद्या सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्ष छायां क्षत्रेश्वरि तथा अहंकार मनोबुद्धि रक्षन्मे धर्मधारिणे प्राणापानोत्तराव्यानम् उदानं च चमानकम् वज्रास्ता च मे रक्ष प्राणं कल्याणशोभना रसरूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनि सत्त्वं रजस्तमक्ष रक्ष नारायणे तदा आयु रक्षतु महाराये धर्मं रक्षतु वैष्णवे यथा कीर्तिं च लक्ष्ये च धनं विद्यां च चक्रणे गोत्रमिन्द्राणि मे रक्ष पशुर्मे रक्ष चण्डिके पुत्रा रक्षे महालक्ष्ये भार्यां रक्षतु भैरवे पन्थाणात् सुभदा रक्षे मार्गं क्षेमकरे तदा राजद्वारे महालक्ष्मे विजया सर्वतः स्थिता रक्षायेण द्वयस्थानमर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवि जयन्ति पापनाशने फलमेकं न गच्छतु जयेच्छ मात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्र एव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजया सार्वकामिकः गम्यं चिन्तयते कामं तन्नं प्राप्नोति निश्चितं परमेश्वरमधुरं प्राप्यते भूतलपमान् निर्भयो जायते मत्या सङ्ग्रामेश पराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूजा कवचेनामृतापमान् इदं तु देव्या कवचं देवानामपि दुर्लभं व्यापटे प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं षद्यान्वितः देवे कला भवेत् तस्य त्रैलोक्येषु पराजितः जीवेद्वर्षशतं चाक्रमपमृत्यो विभर्जितः नश्यन्ति व्याधिरा सर्वे लोता विस्फोटकादयः तावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विषम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूतलाश्चैव जलया च उपदेशिका सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तदा अन्तरिक्ष जला घोरा डाकिनश्च महाबलाः ग्रहभूतपिशाचाक्ष यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेताला कूष्माडा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शना तस्य कवचेति सञ्चित मानोन्नतिर्भवे राज्यस्ते य वृद्धे करं परं यद् सा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूगले जपे सप्तशरीरचण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावद्भूमण्डलं दत्ते सशैलवनकाननं तावत् तिष्ठति मे निर्णयं सन्तति पत्रपात्रिके देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरेरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यमहामायाप्रसादतः लभते परमरूपं शिवेन स मोदते अथार्गलास्तोत्रम् ॐ अस्य श्री अर्गलास्तोत्रमन्त्रस्य विष्णुर्षिः अनुष्टुप्छन्दः श्रीमहालक्ष्मी देवता श्रीजगदम्बावृतये सप्तशतीपाठानत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डे उवाच ॐ जयन्ति मङ्गलाकाले भद्रकाले कपालिने
दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते जय त्वं देवी चामुण्ड जय भूतार्ति हरिणि जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमस्तुते मधुकेतव विद्रावि विधात्रि वरदे नमः रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो देहि वैशासुरनिर्नाशि भक्तानां सुखदे नमः रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो देहि रक्तबीजावले देवि कण्डमण्डविनाशिने रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो देहि शुम्भस्येवने शुम्भस्य जुम्राशश्च समर्जने रूपं देहि जयं देहि जश देहि दिश देहि वन्दिताङ्गुगे देवि सर्वसौभाग्यदायिने रूपं देहि जयं देहि जश देहि दिश देहि अजिङ्करूपचरित सर्वशत्रुविनाशिने रूपं देहि जयं देहि जश देहि दिश देहि न देव्याः सर्वदा भक्त्या कर्णिके दुरितापहे रूपं देहि जयं देहि दश देहि दश जहि सभद्रो भक्तिपूर्वं त्वा चण्डिके व्याधिनाशिने रूपं देहि जयं देहि दश देहि दश जहि चण्डिके सततं जत्वा अर्चयन्ति भक्तितः रूपं देहि जयं देहि दश देहि दश जहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि जश देहि दिश जहि विदेहि दिशतां नाशं विदेहि फलमुच्चकैः रूपं देहि जयं देहि जश देहि दिश जहि विदेहि देवि कल्याणं विदेहि परमाक्षयम् रूपं देहि जयं देहि जश देहि दिश जहि सुरासुरशिरोरत्रानिकृष्टचरणाम्बिके रूपं देहि जयं देहि जश देहि दिश जहि विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु रूपं देहि जयं देहि जश देहि दिश जहि प्रचण्डदैत्यदर्भग्न चण्डिकपणताय मे रूपं देहि जयं देहि जश देहि दिश जहि चतुर्भुज चतुर्वक्त्र संस्तुते परमेश्वरे रूपं देहि जयं देहि जश देहि दिश जहि कृष्णेन संस्तुते देवि शश्वद्भक्त्या सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि जश देहि दिश जहि हिमाचलसुधानाथ संस्तुते परमेश्वरे रूपं देहि जयं देहि जश देहि दिश जहि इन्द्राणि वै सर्वाः पूजिते परमेश्वरे रूपं देहि जयं देहि जश देहि दिश जहि देवि प्रचण्ड जोर्दण्ड दैत्यदर्प विनाशिने रूपं देहि जयं देहि जश देहि दिश जहि देवि भक्तगणोद्धाम दत्तानन्ददयम्बिके रूपं देहि जयं देहि जश देहि दिश जहि पत्नि मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणि तारिणि दुर्गसंसार सागरस्य कुलद्धवाम् इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठे नरः स तु सप्तशति सङ्ख्या परमा प्रणोति सम्पदा अथ कीलकम् अस्य श्रीकीलकमन्त्रस्य शिवऋषिः अनुष्टभछन्दः श्रीमा सरस्वती देवता श्रीजगदम्बापीत्यर्थम् सप्तशतीपाणागत्येन जपे विनियोगः चण्डिकायै मार्कण्डेवाच ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयापत्निमित्ताय नमः सोमाचारिणे
श्रद्धालु भक्तजन, अभी तक श्री वेदव्यासी द्वारा विरचित मार्कंडेय प्राण से उद्धृत श्री दुर्गा सप्तशती जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे थे। अभी स्तोत्र पाठ होगा। इस स्तोत्र पाठ से भक्तों के घरों में सर्वदा रिद्धि सिद्धि बनी रहती है। विशेषतया आपके रोगों, शत्रुओं, दुख एवं दारिद्र का विनाश होता है। मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र। आये गे नंदन नंदित मेरे विश्व विनाशिनि नंदनुते भगवती है त्रिकंड कुलुम्बिनि भोरि कुलुम्बिनि भोरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते दुर्वर वर्षिणि दुर्गर दर्शिनि दुर्मुख वर्षिणि अर्चते शिव वन भोजन शंकर दोजिनि के विष भोजन करते जन जन रोजिनि चिति सुत रोजिनि धर्मद जोजिनि सिंध सुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैल सुते आये जगदम्ब पदम्ब कदम्ब वन प्रिय वासिनि आचरते शिखरि शिरोमणि तुम्बहिमालय सिंह निजालय मध्यकते मधु मधुरे मधु कैटव गञ्जनि कैटव भञ्जनि आचरते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैल सुते आये जगदम्ब विकर्ण Hare Krishna.
Thank you.
भक्तजन अभी अंत में प्रश्न नंबर 23 पर क्षमा प्रार्थना निकाल लीजिएगा। अथ क्षमा प्रार्थना अपराध सहस्राणि क्रियन्ते श्रद्धालु भक्तजन 3 बार ओम का रक्षक नाद करेंगे। एक साथ उच्च स्वर से लंबे स्वर से हृदय से वास निकालते हुए माता जी के चरणों में यह प्रार्थना करते हुए हे माँ, इन पद्म स्तोत्रों से यदि कहीं भी कुछ भक्ति का लेश मिले उसी से प्रसन्न हो जाओ। हमारे अपराधों को क्षमा करो एवं मनोकामना को पूर्ण करो। ऐसा
मन में माता जी के चरणों में भाव करते हुए आप सभी भक्तजन 3 बार एक साथ ओंकार अक्षर का नाद कीजिएगा। ओंकारं बिन्दुं संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव श्री ओंकाराय नमो नमः। योगी जन बिंदु से संयुक्त इस ओंकार का नित्य प्रति काम एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए ध्यान करते हैं। हमारी सृष्टि का स्वरूप भी ओंकार स्वरूपा ही है तथा इसके आदि एवं अंत में इसी अक्षर का गुंजायमान सदैव होता रहता है। ओंकार अक्षर के जाप से उच्चारण से कई आदि व्याधियों का विनाश भी होता है। हे माँ, इस प्रणव अक्षर ओंकार में अकार उकार और मकार के रूप में ब्रह्मा विष्णु एवं महेश के रूप में आपकी नित्य स्थिति है तथा बिंदु स्वरूपा अर्धमात्रा जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता वह भी आप ही है। सच्चिया ज्योता जयकारा श्री राम बाली जी दा। अभी आप सभी श्रद्धालु भक्तों ने पूर्ण तन्मयता से तल्लीन होकर श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर माता जी के इस दिव्य पाठ का श्रवण किया। जिस श्रद्धा से आप सभी ने इस पाठ का श्रवण किया है, स्वयं पाठ किया है, उसी रूप में जगदम्बा वैष्णो माता प्रसन्न होकर आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, ऐसी माता इसी प्रार्थना है। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयवस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपा सर्वेशी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न देवी रूपा दुर्गे देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो। हम सभी भक्तजन भक्ति पूर्वक श्रद्धा पूर्वक आपको नमस्कार करते। एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रय भूषितं पातु ना सर्वभीतिभ्यः कात्यायनी नमोस्तुते। कात्यायनी, यह 3 लोचनों से भूषित तुम्हारा सौम्य मुख सब प्रकार के भयों से हमारी रक्षा करे, तुम्हें नमस्कार। ज्वालाकराल मत्युग्रमशेषासुर सूदनं त्रिशूलं पातु नो भीतिर्भद्रकाली नमोस्तुते। भद्रकाली, ज्वालाओं के कारण विकार प्रतीत होने वाला अत्यंत भयंकर और समस्त असुर का संहार करने वाला तुम्हारा त्रिशूल भय से हमें बचाए, तुम्हें नमस्कार। हिनस्ति दैत्य तेजांसी स्वेणा पूरी जा जगत सा घंटा पातु नो देवी पाप्युना सुताड़े। देवी, जो अपनी ध्वनि से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके दैत्य तेज नष्ट की देता है, वह तुम्हारा घंटा हम लोगों की पापों से उसी प्रकार रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्रों की बुरे कर्मों से रक्षा करती है। असुरा से वसा पंक चर्चित अस्ते करोज्ज्वला शुभाय खड़गो भवतु चंडिके त्वाम नतावयम। चंडिके, तुम्हारे हाथों में सुशोभित खड़ग जो असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित हैं, हमारा मंगल करें। हम सभी भक्तजन भक्ति पूर्वक श्रद्धा पूर्वक आपको नमस्कार करते हैं। सचिया ज्योतां बाली जयकारा शेरा वाली जी दा। बोल सच्चे दरबार की। इस जगत में जभी जभी भी केवल हम ही भक्तों पर ही नहीं, सब देवताओं पर, राजा महाराजाओं पर अथवा अवतारों पर भी जब कोई घोर संकट का लान पड़ा है और उस समय जब किसी विशेष देवता ने उनकी सहायता नहीं की है, तो अंत में उन्होंने इन्हीं अनंत कोटि ब्रह्मांड की शक्ति दुर्गा माता जी की अनन्य शरण ग्रहण की है और तब माता जी ने उनकी स्तुति द्वारा प्रसन्न होकर के तत्काल दर्शन देकर के उन सभी के कष्टों को सदा के दूर कर दिया है। आप जानते हैं कि माता सती ने जब अपने पिता के यज्ञ में अपने शरीर को योग अग्नि द्वारा दग्ध कर दिया, उस समय शंकर जी विचलित हो गए और सती के शव को लेकर के तांडव करने लगे, जिससे तीनों लोकों में त्राही त्राही मच गई।
तब शंकर जी ने कुछ समय के लिए सती के स्वरूप का ध्यान करते हुए समाधि अवस्था में बिताया। सती के अभाव में सभी दुख रूपी समुद्र में डूब गए। ग्रहों की दशा विपरीत हो गई और सभी अपनी मर्यादा से विचलित हो गए। तभी तारकासुर नाम का एक महान दैत्य, जिसने ब्रह्मा जी की आराधना करके ये वरदान प्राप्त कर लिया कि शंकर जी के औरस पुत्र द्वारा ही उसकी मृत्यु होगी, क्योंकि जानता था कि शंकर जी के भार्या ने अपने शरीर को योग अग्नि द्वारा दग्ध कर दिया है, इसलिए उनका औरस पुत्र नहीं होगा और मेरी मृत्यु नहीं होगी। इस प्रकार का वरदान प्राप्त करके मैं देवताओं को सताने लगा और उनको स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। तब सभी देवगण शंकर जी को साथ लेकर के, ब्रह्मा जी को साथ लेकर वैकुंठ में भगवान विष्णु के पास गए और सारा वृत्तांत उन्होंने बताया कि किस प्रकार तारकासुर स्वर्ग का अधिष्ठाता बन गया है, महाराज उसके बाद का कोई उपाय कीजिए। तब भगवान विष्णु ने देवताओं को उपदेश देते हुए कहा कि मणिद्वीप में सदैव जागने वाली भुवनेश्वरी देवी हम भक्तों का दुख दूर करने लिए कल्पवृक्ष के समान है। निश्चय रूप से हमसे कोई गलत कार्य हुआ है, जिससे उनकी हम पर उपेक्षा है, क्योंकि पुत्र से पग पग पर अपराध होता रहता है और माता के सेवा क्षमा करने वाला कौन है। इसलिए हमको उन्हीं की अविचल शरण ग्रहण करने चाहिए। स्वयं भगवान विष्णु लक्ष्मी को साथ लेकर के, देवताओं को साथ लेकर के हिमालय पर भर गए और वहां पर उन्होंने दुर्गा माता जी का पुरुष चरण करना प्रारंभ किया। उसमें कुछ देवगण समाधि अवस्था में बैठ गए, कुछ देवी सूक्त का पाठ करने गए और कुछ दुर्गा सप्तशती का पाठ करने लगे। कई वर्षों के पश्चात तपस्या करने पर जो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को शुक्रवार को स्तुति द्वारा जो उनकी स्तुति द्वारा प्रसन्न होकर के जो एक तेज पुण्य प्रकट हुआ, जिसका हजारों सूर्य के समान प्रकाश था, हजारों चंद्रमाओं की जिसमें शीतल था थी, वेद उसकी स्तुति कर रहे थे। ना ऊंचा ना नीचा, ना स्त्री रूप में ना पुरुष रूप में, उसको देख करके देवताओं के कंठ रुंध गए, उनकी आंखें बंद हो गई। और जब धीरे धीरे उन्होंने आंखें खोली तो सामने देखा कि सिंह पर आरूढ़ शंख चक्र गदा पद्म धारण किए दुर्गा माता जी विराजमान हैं, जिनके श्री की आभा दाड़िम पुष्प के समान है, जिन्होंने रक्त वस्त्र पहने हुए केसर की बिंदी धारण की हुई है और उनके मुख की आभा अष्टमी के चंद्रमा के समान है। उनको देख करके देवताओं के कंठ रुंध गए और उन्होंने धीरे धीरे माता की स्तुति करना प्रारंभ की। हे माँ, आप अनंत कोटि ब्रह्मांड की शक्ति हैं। स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश को शक्ति से संपन्न करके सृष्टि का सृजन पालन एवं संहार कराती हैं। हे माँ, आप प्रकट हों। उस समय माता जी ने उनकी स्तुति द्वारा प्रसन्न होकर के कोयल के समान जो मत्तवास में कहा कि देवताओं, आपको किस प्रकार का कष्ट है, मैं आपका दुख दूर करने लिए कल प्रवेश के समान हूँ। उस समय देवताओं ने कहा कि महारानी, तीनों लोकों में आपसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। आप जानती है कि इस समय तारकासुर का जो महादैत्य है, उसने शंकर जी के और उस पुत्र द्वारा ही आपकी मृत्यु को स्वीकार किया है और कि उनकी भार्या सती ने शेष को योग अग्नि द्वारा भस्म कर दिया है, इसलिए उनका पुत्र नहीं होगा। इसलिए माँ, आप प्रकट हों और हम दूसरी हमारी आपसे ये विनती है कि आपके चरणों में हमारी जो अविचल भक्ति है वो सदैव बनी रहे। माता ने कहा कि हिमालय बड़े मनोयोग से मेरी आराधना कर रहा है, इसलिए उसके घर में मैंने पुत्री रूप में उत्पन्न होना स्वीकार किया है और गौरी शक्ति उसके घर में होगी। अब ऐसा यत्न करना कि वो शंकर जी को प्राप्त हो। मेरे चरणों में आपकी भक्ति सदैव बनी रहेगी। हिमालय राज भी वहां पर ऐसा सुन रहे थे। जब उन्होंने अपने प्रति ऐसे शब्द सुने तो रुंधे हुए कंठ से अश्रुपूर्ण नेत्रों से कहा कि महारानी, जिस पर आप कृपा करना चाहती है उसको महान बना देती है। कहाँ यर्था स्थानु मैं हिमालय और कहाँ सच्चानंद स्वरूपनी आप, जिनके उदर में करोड़ों ब्रह्मांड स्थित हैं, वही मेरे घर में जब पुत्र रूप में जो प्रकट होगी तो मेरे समान धन्य कौन होगा, मेरे पूर्व धन्य हो जाएंगे। हजारों अश्वमेध यज्ञों एवं समाधियों द्वारा भी आपको पुत्र रूप में पाना कठिन है। तब समयानुसार गौरी शक्ति हिमालय के गारे में उत्पन्न हुई। उनके जहाँ वो शंकर जी को प्राप्त हुई, उनके यहाँ कार्तिकेय जी हुए और उन्होंने मार्च शुक्ल षष्ठी को तारकासुर का वध किया। तब देवताओं ने आकाश से पुष्पों की वृष्टि की और उनका अभिषेक भी किया गया। कहने का तात्पर्य केवल यही है कि हम भक्ति नहीं, स्वयं देवता भी जब घोर संग्रह पड़ने पर इन दुर्गा माता की आराधना करते हैं, हम भक्तों को क्यों नहीं करने चाहिए, अवश्य करने चाहिए, विशेष रूप से इस कलिकाल में। अतः आप सभी सौभाग्यशाली पुण्यकर्मी हैं जिनको आयुनिक धाम में माता महाकाली,
महालक्ष्मी एवं महासरस्वती जी आदि काल से संपूर्ण विश्वभर में संयुक्त रूप में केवल यही विराजमान होती हैं, आपको शक्ति ऐश्वर्य ज्ञान के वरदान से संपन्न कर रही हैं। तीनों महाशक्ति जड़ मूल से एक है, उपराव के तीन स्वरूप और उन्हीं के चरणों से गंगा स्नान कराती परिक्रमा करती बह रही है, जिसमें आप स्नान करते हैं, जनावत ग्रहण करते हैं। इन्हीं के साथ बाह्यात पहाड़ी पार गणपति जी महाराज, सूरज, चंद्रमा, बटुकता प्रहलाद जी और साथ में माता जी का वरद हस्त भक्तों प्रत्येक क्षण आशीर्वाद प्रदान कर रहा है। सामने शंकर भगवान शिव रूप में विराजमान और इन्हीं तीनों महाशक्तियों का निवारण मंत्र बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे कलिकाल में भक्तों का विशेष उद्धार करने वाला है, जिसमें ऐं के चरण से आपको विद्या की प्राप्ति होती है, ह्रीं के चरण से धन ऐश्वर्य मिलता है, क्लीं के चरण से शक्ति प्राप्त होती है। चामुंडा माता जी का नाम एवं विच्चे के रूप में आप हमें अभय प्रदान करती हैं। आइए इसी निवार मंत्र का उच्चारण माता जी में बैठे हुए हम सभी भक्ति यहाँ तीन बार करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा देविच्चे। 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 सच्चियां ज्योतां वाली माता तेरी सदा जयकारा शेरां वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। घर में भी नित्य प्रति स्नान उपरांत शुद्ध वस्त्र धारण करके आप इसका कम से कम एक माला जाप अवश्य करें, जिससे तीनों शक्तियां आपको स्वतः प्राप्त हों और आपकी गृहस्थी ठीक प्रकार से चले। दुर्गा वैष्णो माता आप आए हुए सभी भक्तों की मनोकामनाएं अपने मन में सुन जो माता जी प्रति लाए हैं सभी पूर्ण करें। माता जी का वरद हस्त सदैव आपके शीश पर रखा रहे और आप उत्तरोत्तर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होते रहें। सचियां ज्योतां माता तेरी सदा जयकारा शेरां वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी भजन की वेला है, सभी भक्तियां उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते हुए माता की भेंटों में योगदान देंगे। सर्वप्रथम निवेदन है श्री विजय कुमार जी से, अपनी मधुर भेंट प्रस्तुत कर रहे हैं श्री विजय कुमार। जयकारा शेरों वाली जी का बोल सच्चे दरबार की जय। मैंने ढूंढ लिया रे जग सारा माँ तेरे जैसा कोई नहीं। मैंने ढूंढ लिया जग सारा माँ तेरे जैसा कोई नहीं। मैंने ढूंढ लिया रे जग सारा माँ तेरे जैसा कोई नहीं। ओ मैंने ढूंढ लिया रे जग सारा माँ तेरे जैसा कोई नहीं। तेरा द्वार मैया ओ तेरा द्वार मैया, तेरा द्वार मैया सबसे प्यारा माँ तेरे जैसा कोई नहीं। तेरा द्वार मैया सबसे प्यारा माँ तेरे जैसा कोई नहीं। मैंने ढूंढ लिया रे जग सारा माँ तेरे जैसा कोई नहीं। मैंने ढूंढ लिया जग सारा माँ तेरे जैसा कोई सुंदर मूरत
जैसा कोई नहीं। ओ तेरा रूप मां दुनिया से प्यारा, तेरे जैसा कोई नहीं। मैंने ढूंढ लिया रे जग सारा, मां तेरे जैसा कोई नहीं। ओ मैंने ढूंढ लिया रे जग सारा, मां तेरे जैसा कोई नहीं। तेरा द्वार मैया, ओ तेरा द्वार मैया, तेरा द्वार मैया सबसे न्यारा, मां तेरे जैसा कोई नहीं। ओ तेरा द्वार मैया सबसे न्यारा, मां तेरे जैसा कोई नहीं। जो देखे वो बोले ऐसा, जो देखे वो बोले ऐसा, बोले ऐसा मां, बोले ऐसा, बोले ऐसा, बोले ऐसा। कोई नहीं है मां के जैसा, कोई नहीं है मां के जैसा, मां के जैसा, मां के जैसा, मां के जैसा, मां के जैसा। मेरे जीने का, मेरे जीने का तू ही सहारा, मां तेरे जैसा कोई नहीं। मेरे जीने का तू ही सहारा, मां तेरे जैसा कोई नहीं। मैंने ढूंढ लिया रे जग सारा, मां तेरे जैसा कोई नहीं। मैंने ढूंढ लिया रे जग सारा, मां तेरे जैसा कोई नहीं। देखूं तुम्हें तो चमके सवेरा, देखूं तुम्हें तो चमके सवेरा, चमके सवेरा, चमके सवेरा, चमके सवेरा, चमके सवेरा। ना देखूं तो लगता अंधेरा, लगता अंधेरा, लगता अंधेरा, लगता अंधेरा, लगता अंधेरा, लगता अंधेरा। तू उजाला, तू उजाला, तू उजाला जगत अंधियारा, तेरे जैसा कोई नहीं। तू उजाला जगत अंधियारा, तेरे जैसा कोई नहीं। मैंने ढूंढ लिया रे जग सारा, मां तेरे जैसा कोई नहीं। ओ मैंने ढूंढ लिया रे जग सारा, मां तेरे जैसा कोई नहीं। दुख में भी सुख में भी जिसने पुकारा है, दुख में भी सुख में भी जिसने पुकारा है, जिसने पुकारा माँ, किसने पुकारा है। उन बातों को तुमने ही तारा है, बातों को तुमने ही तारा है, उन भक्तों को मैया तुमने ही तारा है, उन भक्तों को मैया तुमने ही तारा, तुमने ही तारा है, को है तारा, मां तेरे जैसा कोई नहीं। तूने भानु भगत को है तारा, मां तेरे जैसा कोई नहीं। मैंने ढूंढ लिया रे जग सारा, मां तेरे जैसा कोई नहीं। मैंने ढूंढ लिया रे जग सारा, मां तेरे जैसा कोई नहीं। गहरी नदियां नाव पुराने,
कोई नहीं मेरी नैया का कोई सहारा जैसा कोई नहीं तेरा द्वार मैया सबसे प्यारा माँ तेरे जैसा कोई नहीं तेरा द्वार मैया सबसे प्यारा माँ तेरे जैसा कोई नहीं मैंने ढूंढ लिया रे जग सारा माँ तेरे जैसा कोई ओ तेरा द्वार मैया तेरा द्वार मैया सबसे प्यारा माँ तेरे जैसा कोई नहीं ओ तेरा द्वार मैया सबसे प्यारा माँ तेरे जैसा कोई नहीं 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 जयकारा शेरों वाली जी का बोल सच्चे दरबार की जय एक भजन प्रस्तुत कर रहे हैं श्री सुरेश जयकारा मेरी शेरों वाली मैया जी का बोल सच्चे दरबार की जय तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना कि मैं तो उठाने के काबिल नहीं हूँ तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना कि मैं तो उठाने के काबिल नहीं तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना कि मैं तो उठाने के काबिल नहीं हूँ तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना कि मैं तो उठाने के काबिल हाँ मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल जग की चाहत ने मुझको मिटाया फिर भी तेरा नाम जुबां पर आया इस जग की चाहत ने मुझको मिटाया फिर भी तेरा नाम जुबां पर आया गुनागार हूँ मैं खताबर हूँ मैं तुझे दिखाने के काबिल नहीं हूँ गुनाहगार हूँ मैं खताबर हूँ मैं तुझे दिखाने के काबिल नहीं हाँ तेरी मेहरबानी का है मुझे इतना कि मैं तो उठाने के काबिल नहीं हूँ तेरी मेहरबानी है बोझ इतना कि मैं तो उठाने के काबिल मैं तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ ये माना की दाती है तू कुल जहां में मगर झोली आगे फैलाऊं मैं कैसे ये माना की दाती है तू कुल जहां में मगर
मुझे इतना कि मैं तो उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है मुझे इतना कि मैं तो उठाने के काबिल। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल। तुम्ही ने अदा की मुझे जिंदगानी मगर तेरी महिमा ये मैंने न जानी। तुम्ही ने अदा की मुझे जिंदगानी मगर तेरी महिमा मैंने न जानी। कर्जदार तेरी दया कहूँ इतना कि कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ। कर्जदार कर्जा चुकाने के काबिल नहीं। हाँ तेरी मेहरबानी का है मुझे इतना कि मैं तो उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है मुझे इतना कि मैं तो उठाने के काबिल नहीं। मैं आ तो गया मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ मैं तो आने के काबिल नहीं। तमन्ना यही है कि सिर को झुका लूँ तेरा दर्शन एक बार दिल में मैं पालू। तमन्ना यही है कि दिल को झुका लूं तेरा दर्शन एक बार दिल में मैं पालूं। जिवाया सुओं के ऐ मेरी मैया कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं हूँ। जिवाया सुओं के कुछ भी चलाने के काबिल नहीं। हाँ तेरी मेहरबानी का है मुझे इतना कि मैं तो उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है मुझे इतना कि मैं तो उठाने के मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल। हाँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तेरे दर पे आने के काबिल तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। जय करा मेरी शेरवाली मैया जी का बोल सच्चे दरबार की जय। एक भजन प्रस्तुत कर रहे हैं श्री जयपाल जी। जय करा शेरवाली बोल सच्चे दरबार की जय। दर ते आमा हाल सुनावा दर ते आमा हाल सुनावा गाती कर मेहरबानिया मैं हमने कर मेहरबानिया। दर ते हाल सुनावा गाती कर मेहरबानिया माए हम कर मेहरबानिया। दर
सुनावा तू ते सगदे
पे कर मेहरबानियां हो घर ते आवा हाल सुनावा दात कर मेहरबानियां माए हम पे कर मेहरबानियां हाल सुनावा साथी कर मेहरबानिया माए अम्बे कर मेहरबानिया जयकारा श्री बलिदा बोल सच्चे दरबार की जय एक बयान प्रस्तुत कर रहे हैं श्री विजय कुमार जयकारा शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय शेरा वाली दा गया संदे शेरा वाली दा गया संदे ओ सब पैना होया कट्टिया शेरा वाली दा गया संदे ओ सब पैना होया लभिया ओ शेरा वाली दा ओ मेरा वाली दा शेरा वाली दा गया छड अपना अपना दे सब पैणा होइयां कट्ठियां शेरा वाली दा गया संदेश ओ सब पैणा होइयां कट्ठियां बिच गुफा तुम वैष्णो आई बिच गुफा तुम वैष्णो आई ओ वैष्णो आई मां वैष्णो आई वैष्णो आई मां वैष्णो आई ताली सौगात ले आई ताली सौगात ले आई कट्टन ले सब दे कलेश ओ सब पैरा होया कट्टियां शेरा वाली दा गया संदे ओ सब पैरा होया कट्टियां छड अपना अपना दे ओ सब पैरा होया कट्टियां छड अपना अपना दे ज्योति रूप च आई ज्वाला ज्योति रूप च आई ज्वाला ओ आई ज्वाला मां आई ज्वाला आई ज्वाला मां आई ज्वाला ओ कांगड़े वाली दीन दयाला कांगड़े वाली दीन दयाला करे कारज सब दे हमें सब पैना होइयां कट्टियां शेरा वाली दा संदे ओ सब पैना होइयां कट्टियां ओ मेरा वाली दा ओ शेरा वाली दा शेरा वाली दा गया संदे ओ सब पैना होइयां कट्टियां ओ शेरा वाली दा गया संदे ओ सब पैना होइयां कट्टियां चिंतपूर्णी चिंता हरनी देवी मंगल करनी नैना देवी मंगल करनी कानो करे नरेश ओ सब पैरा होइयां कट्टियां ओ शेरा वाली दा गया संदे ओ सब पैरा होइयां कट्टियां ओ शेरा वाली दा गया संदे कटिया की किस्मत मां दी सुनावा की किस्मत मैं मां दी सुनावा ओ बद्दो बदने सब मावा बद्दो बदने सबने मावा दा जोतां दे विच परवे मां दे जोतां दा विच परवे ओ सब पैणा होइयां कटिया
ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਉਹ ਸਭੇ ਪੈਣਾ ਹੋਈਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਉਹ ਸਭੇ ਪੈਣਾ ਹੋਈਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਜੈਕਾਰਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ੇਰਾਵਾਲੀ ਮਈਆ ਜੀ ਦਾ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਗਣੇਸ਼ ਮੋਏ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ੇਸ਼ ਮੋਏ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਗਣੇਸ਼ ਮੋਏ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ੇਸ਼ ਮੋਏ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਗਣੇਸ਼ ਮੋਏ ਕਰ ਦੇਨ ਪੂਜਾ ਤੇਰੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਤੇਰਾ ਹੈ ਕਰ ਦੇਨ ਪੂਜਾ ਤੇਰੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਤੇਰਾ ਹੈ ਭਗਤਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਤੀ ਦੇ ਜਗਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚਿਆਂ ਦਵਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਰਨਾਮ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਰਨਾਮ ਦਾਤੀ 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 ਮੇਰਾ ਪਰਨਾਮ ਹੈ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਪਵਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਸਜਦਾ ਹੈ ਸੋਹਣੇ ਤੇਰੇ ਪਵਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਸਜਦਾ ਹੈ ਜੀਤ ਕਰ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰਜਦਾ ਹੈ ਜੀਤ ਕਰ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰਜਦਾ ਹੈ ਸੋਹਣੇ ਤੇਰੇ ਪਵਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਸਜਦਾ ਹੈ ਗੀਤ ਕਰ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰਜਦਾ ਹੈ ਗੀਤ ਕਰ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰਜਦਾ ਅੰਬੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਅੰਬੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਜਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਭਗਤਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਤੀ ਦੇ ਜਗਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚਿਆਂ ਦਵਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਰਨਾਮ ਹੈ
तेरी सारे शीश मन भोंदे ने शक्ति है तेरी सारे शीश मन भोंदे ने देवी देव साधु संत महिमा तेरी गाउंदे ने देवी देव साधु संत महिमा तेरी गाउंदे ने शक्ति है तेरी सारे शीश मन भोंदे ने शक्ति है तेरी देवी देव साधु संत महिमा तेरी गाउंदे ने देवी देव साधु संत महिमा तेरी गाउंदे मां दे नवरात्रियां च मां दे जगरातियां च मां दे नवरात्रियां च मां दे जगरातियां च हुंदा गुण गान है हुंदा गुण गान है गुणगान है उंदा गुणगान है भगत प्यारिया नु दाती दे जगारिया नु उच्चियां दवारिया नु मेरा परनाम दाती मेरा परनाम है मेरा परनाम दाती मेरा परनाम है परनाम दाती मेरा परनाम है मेरा परनाम दाती मेरा परनाम है भगत प्यारे नू मां चरना दा ध्यान दिता भगत प्यारे नू मां चरना दा ध्यान दिता बचड़ नी माने नू मां भगती दा दान दिता बचड़े नी माने नू मां भगती दा दान दिता बचड़े नी माने नू मां भगती दा दान दिता ओ खुशियां ले आवे जो बेड़े पार लावे जो खुशियां ले आवे जो बेड़े पार लावे जो मैया तेरा नाम है मैया तेरा नाम है मैया तेरा नाम है मैया तेरा नाम है भगत प्यारिया नु दाती दे जगारिया नु उच्चिया दवारिया नु मेरा परनाम है मेरा परनाम दाती तेरा परनाम विष्णु शेष माए शिवजी गणेश माए विष्णु शेष माए हर दिन पूजा तेरी ब्रह्मा जी तेरा है हर दिन पूजा तेरी ब्रह्मा जी तेरा है भगत प्यारिया नु दाती दे जगारिया नु उच्चियां दवारिया नु तेरा परनाम दाती मेरा परनाम मेरा परनाम है मेरा परनाम दाती मेरा परनाम दाती मेरा परनाम है जय करा मेरी शरण वाली मैया की बोल सच्चे दरबार की जय प्रातः स्मरामि शरदिन्दु करो जलावा तद्रत्न वन्म करो कुंडल हार भूषा विद्याजोधोजित सुनील सहस्रहस्ता रक्तोत्पलाभ चरणा भवती परेशा सचिया ज्योता वाली माता तेरी सदा जय करा शेरा वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय आज बिकवाली शुभ संवत 2075 उत्तरायण दक्षिण गोल बसंत ऋतु फाल्गुन मास की आयु 25 प्रविष्ट है शुक्ल पक्ष तिथि अतिथि है शनिवार तदनुसार 9 मार्च सन 2019 के दिन दुर्गा वैष्णो माता जी की असीम अनुकंपा द्वारा आप सभी श्रद्धालु भक्तों को माता जी के तपोवन के दिव्यांगन में बैठ करके सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।
अतः आप सभी सौभाग्यशाली एवं पुण्यकर्मी हैं। आप सभी का माता जी के दिव्यांगन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन तथा वैष्णो माता दरबार की ओर से आपके साथ विश्व के सभी मातृभक्तों को भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भव पुत्रवान भव श्रीमान यशस्वी भव प्रज्ञावान भव भूरी भूति करणे दाने कनिष्ठो भव तेजस्वी भव बैरी दर्प दलने व्यापार दक्षो भव श्री शंभुर भव पाद पूर्णता सर्वोपकारी भव मंत्रार्था सफला संतु पूर्णा संतु मनोरथा शत्रुनाम बुद्धिनाशोस्तु मित्रानामोदयस्तव श्रीर्वर्चस् आयुष्मारोग्यमाभिधात् शुभमानं महीयते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः। आपकी दीर्घायु हो, आपका आरोग्यता प्राप्त हो, आप धन धन से संपन्न हो। जिन मंत्रों का आपने श्रवण किया वे सभी सफल एवं सार्थक फल देने वाले हों। आप सदैव धर्मानुकूल कर्म करते हुए उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हूँ। सचिया जोता बाली माता तेरी सदा ही जय जयकारा शेरा बाली जी का बोल सच्चे दरबार की जय। अभी सभी भक्तियाँ उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते हुए माता की आरती बोलेंगे। सामने दीवार पर आरती लिखी है, आपके पुस्तिका के अंत पे सभी आरती है, सभी बोलेगा। ओम जय अम्बे गौर मैया जय श्यामा गौरी मैया जय आगम निगम भवानी
ਫਲ ਪਾਵਕ ਸੇਵਕ ਨਰ ਨਾਰੀ ਓਮ ਜੈ ਅੰਬੇ ਗੌਰੀ ਕੰਚਨ ਕਾਲ ਵਿਰਾਜ ਅਗਰ ਕਪੂਰ ਬਾਤੀ ਮਈਆ ਅਗਰ ਕਪੂਰ ਬਾਤੀ ਮਾਲ ਕੇ ਤੁਮੇ ਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲ ਕੇ ਤੁਮੇ ਰਾਜ ਕੋਟੀ ਰਤਨ ਜੋਗੀ ਓਮ ਜੈ ਅੰਬੇ ਗੌਰੀ ਜੀ ਅੰਬੇ ਜੀ ਕੀ ਆਰਤੀ ਜੋ ਕੋ ਗਾਵੇ ਹੋ ਮਈਆ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਗਾਵੇ ਕਹਤ ਸ਼ਿਵਾਨੰਦ ਕਹਤ ਹਰੇ ਤੁਮ ਕੋਨਿਸ਼ ਦਿਨ ਰਾਵਤ ਮਈਆ ਜੀ ਕੋਨਿਸ਼ ਦਿਨ ਰਾਵਤ ਹਰਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਸ਼ਿਵ ਓਮ ਜੈ ਅੰਬੇ ਗੌਰੀ ਜਾ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਤੇਰੀ ਸਦਾ ਜੈ ਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜੀ ਦਾ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਅਭੀ ਪਰਮ ਪੂਜਨੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਜਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਗੁਫਾ ਦੁਆਰ ਪਰ ਪਸਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਫਾ ਕਾ ਅਖੰਡ ਜੋਤੀ ਕਾ ਪੂਜਨ ਕਰੇਂਗੇ ਤਦ ਪਸ਼ਚਾਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਰਤੀ ਹੋਗੀ ਆਰਤੀ ਅਬ ਸਭੀ ਭਕਤੋਂ ਕੇ ਬੀਚ ਮੇ ਆਏਗੀ ਸਭੀ ਭਕਤ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਵਕ ਆਰਤੀ ਬਣਾ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੇ ਬੋਲੋ ਜੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਰਲ ਮਿਲ ਬੋਲੋ ਜੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਹੇ ਵੇਲਾ ਜੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਦਾ ਵੇਲਾ ਜੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪ ਕੇ ਵੇਲਾ ਜੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੱਚ ਬਿਦਾਉਂਦੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕਰਦੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਝੋਲੀਆਂ ਵਰਦੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਘਰੇ ਖਜਾਨੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੋਲਾਇਆ ਨੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੋਟਾਂ ਵਰਦੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀਰ ਗੰਦੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਲਾਟਾਂ ਵਾਲੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਝੋਲੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਝੋਲੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਿੰਡੀ ਰਾਣੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਰਹਿਤ ਦੇਵੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੱਚੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਤੇਰੀ ਸਦਾ ਸਭੀ ਭਕਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹਾਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇਂਗੇ ਓਮ ਦੇਹੀ ਸੌਭਾਗਯਮ ਆਰੋਗਯ ਓਮ ਦੇਹੀ ਸੌਭਾਗਯਮ ਆਰੋਗਯ ਦੇਹੀ ਮੇ ਪਰਮਮ ਸੁਖਮ ਦੇਹੀ ਮੇ ਪਰਮਮ ਸੁਖਮ ਰੂਪਮ ਦੇਹੀ ਜਯਮ ਦੇਹੀ ਰੂਪਮ ਦੇਹੀ ਜਯਮ ਦੇਹੀ ਯਸ਼ੋ ਦੇਹੀ ਦਿਸ਼ੋ ਜਹੀ ਯਸ਼ੋ ਦੇਹੀ ਦਿਸ਼ੋ ਜਹੀ ਸਰਵੇ ਭਵੰਤੁ ਸੁਖਿਨਃ ਸਰਵੇ ਭਵੰਤੁ ਸੁਖਿਨਃ ਸਰਵੇ ਸੰਤੋ ਨਿਰਾਮਯਾ ਸਰਵੇ ਸੰਤੋ ਨਿਰਾਮਯਾ ਸਰਵੇ ਭਦ੍ਰਾਣਿ ਪਸ਼ਯਂਤੁ ਸਰਵੇ ਭਦ੍ਰਾਣਿ ਪਸ਼ਯਂਤੁ ਮਾ ਕਸ਼ਚਿਤ ਦੁਃਖ ਭਾਗ ਭਵੇ ਮਾ ਕਸ਼ਚਿਤ ਦੁਃਖ ਭਾਗ ਭਵੇ ਓਮ ਸ਼ਾਂਤਿ ਓਮ ਸ਼ਾਂਤਿ ਓਮ ਸ਼ਾਂਤਿ ਓਮ ਸ਼ਾਂਤਿ ਓਮ ਸ਼ਾਂਤਿ ਓਮ ਸ਼ਾਂਤਿ ਪਰਮ ਪੂਜਨੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਜਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਰਤੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਤੇ ਹੈ ਸਭੀ ਭਗਤ ਜਨ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਵਕ ਆਰਤੀ ਅਕਰਮ ਦੇਖੀਗਾ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋ ਵੰਦਨਾ ਦਿੱਤੇ ਆਦ ਗਣੇ ਸਿਮਰਨ ਸ਼ਾਰਦਾ ਮੇਰੇ ਕਾਰਜ ਕਰੋ ਆਨੰਦੀ ਆਨੰਦ ਕਰੋ ਕਲਿਆਣੀ ਕਲਿਆਣ ਮਈਆਂ ਬੈਰ ਜੋ ਸਟਗਣੀ ਜੋ ਚਰਣਾ ਦਾ ਜਾਣ Thank you.
भगवती माता रानी जी आप सबको आशीर्वाद दें, आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करें, झोलियां खुशियों से भरें, आप सबकी हाजिरियां कबूल करें और आप सबको दोबारा अपने दरबार में जल्दी जल्दी बहुत सारी खुशियों के साथ फिर से बुलाएं। सभी गज के बोलिएगा पूरे जोर से, आपकी आवाज गूंजनी चाहिए। जैसे आरती का आनंद आया हो ना, उस आरती के आनंद के जोश में सभी को आरती का आनंद आया ना, ठंडी ठंडी में। अभी तो ठंडी कम हो गई, बिल्कुल
आपके लिए, इसलिए सभी जोर से बोलिएगा, बोलो सच्चे दरबार की जय। थोड़ी सी और, बोलो सच्चे दरबार की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। आशीर्वाद, जय माता दी। Thank you.